इस वक्त हम करदबा चौक लाहौर में मौजूद है और आज जो पॉइंट हम डिस्कवर करने जा रहे हैं वो 70 साल पुराना है और वहां पर जो आइटम तैयार की जाती है वो बहुत स्पेशल है। अब आप भी सोचेंगे लाहौर का कौन सा ऐसा पॉइंट है, तो आइए आप सोचिए, तब तक मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। आज आज के फूड पॉइंट की लोकेशन बहुत ही आसान है। फिरोजपुर रोड लाहौर से आप मूव करें टूवर्ड्स करतबा चौक तो आबिद मार्केट से होते हुए आप टेम्पल रोड मजंग पहुंच जाएंगे, जहां हमारा आज का फूड पॉइंट है। जी तो व्यूअर्स, हम अपने पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। जो पॉइंट आज हम डिस्कवर करने जा रहे हैं वो है मामा कबाब, और बहुत फेमस है, 70 साल पुराना है, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पे गहमा गहमी जो है वो लगी हुई है, बहुत सी जगहों से कबाब तो मिलते हैं लेकिन यहाँ के कबाब में ऐसी क्या खास बात है, आइए आपको बताते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं ये पॉइंट कितना पुराना है। 70 साल पुराना है। 70 साल हो चुके हैं, तो ये किसने शुरू किया था? वाले साहब ने। आपके वाले साहब ने शुरू किया था इसी जगह से? नहीं नहीं, वो कॉर्नर पे पहले साहब थे, अभी ये बिफोर अभी शिफ्टिंग हुई है ये। अच्छा, यहाँ पे मामे के कबाब के नाम से ही मशहूर है, इसकी क्या वजह है, कहानी होगी इसकी भी? हाँ, कहानी यही है कि पहले वाले साहब शॉप पे खोलते थे ना, तो कस्टमर आ गए लेडीज आन के मामा मामा, तो इसी नाम से ना, मतलब कि वो सबके कस्टमर्स के जो है ना वो मामे बन गए, मामे तो सबने मामे के कबाब खाना शुरू कर दिया। कौन से कबाब होते हैं आपके पास? पहले मेन तो ये है बीफ कबाब है। अच्छा, इसी को ही फ्राई कर देते हैं ये कीमा, ठीक है, उसकी शक्ल में प्लेट का हिसाब होता है, 200 की भी है, 400 की भी है। सही है, तो मतलब कि जो आपके वाले साहब ने शुरू किए थे वो बीफ कबाब थे, सीख वाले। मसाले इसमें कौन कौन से डलते हैं? कबाब तो बहुत सी जगहों से मिलते हैं, 70 साल से लोगों को आप कबाब खिला रहे हैं, क्या ऐसा डाल रहे हैं कबाब में? देखो ये फ्रेश होता है, एक तो मेन चीज़ तो फ्रेश किया है। अच्छा, मसाले तो सभी दुनिया डालती है, तो इसमें असल जो है ना ये जाफरान है थोड़ा सा, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेस्ट। इनकी शामी टिक्की और जो है इनके कबाब ये बहुत मज़ेदार हैं, वो वाकई कहीं से नहीं, इनका कहीं से टेस्ट नहीं मिलता है इनका कहीं और। पिछले 4 से 5 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, मेरे कोई दोस्त आए हुए थे चिन्योर से, 1 माह हो गई हम यहाँ आते हैं, हम 2 दिन बाद या 3 दिन बाद रोजाना यहाँ चक्कर लगाते हैं, हमें यहाँ टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, हमें कबाब बहुत अच्छा लगता है, आलू वाली टिक्की, कीमा वाली टिक्की, हम सब का टेस्ट किया है, टेस्ट अच्छा लगता है, इसमें रोजाना हम आ जाते हैं। मैं गुलशन अभी से बिलोंगिंग है मेरी, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मुझे 15 से 20 साल हो गए हैं, जब भी यहाँ से गुजर होता है, भूख लगी हो, मैं मामा कबाब फरोज पे ज़रूर रुकता हूँ और उनके कीमे वाले कबाब खाता हूँ। हमारे पास ये है दाल का जो इन्होंने अंडा टिक्की बनाई हुई है, उसके बाद बीफ है और बीफ के कबाब हैं, ये बेसिकली कबाब के साथ ही इन्होंने जो है उसी मटेरियल के अंदर जो है वो प्याज और हरी मिर्च जो है वो डाल के उसको तवे के ऊपर ही जो है वो तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास आलू अंडा जिसे टिक्की कहा जाता है वो मौजूद है, तो हम जो है वो ट्राई करते हैं, और मेरे ख्याल से सबसे पहले हम जो खाएंगे वो है हमारे पास बीफ के कबाब, क्योंकि बीफ का ही इनका स्पेशलिटी है, स्टार्ट भी इन्होंने इसी चीज़ से किया था। तो हम ये चटनी जो है ना ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही डिफरेंट, कलर भी डिफरेंट लग रहा है और अंदर लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इसमें डली हुई हैं, तो हम इसको अच्छी तरह से चटनी लगा के इसमें दा रखवा लें वहीं। वाकई यार जो फ्लेवर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, इसके अंदर इन्होंने जो सूखा धनिया साबुत वो डाला हुआ है और बहुत से मसाले प्याज वगैरह डाला हुआ है, और मीट की क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है, ठीक है, और ये वो वाला कबाब बिल्कुल नहीं है जो आप मतलब बारबेक्यू वाला कबाब होता है। दाल जो है ना, दाल का जो इन्होंने सालन बनाया है वो भी ट्राई कर लेते हैं। यस, जो इनकी ये चटनी सी है ना ये बहुत डिफरेंट पुदीने की चटनी है, लेकिन उसका कलर भी आप देखें तो वो आपको एक अलग सी फील आ रही है, क्योंकि आम चटनी का कलर ये नहीं होता, और अंदर जो है ना इन्होंने बहुत सी चीज़ें डाली हुई हैं,
इन्होंने मसाले तो हमें एक दो कहा कि आम से मसाले जो डलते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आम नहीं है, वो इनके कोई सीक्रेट है जो ये हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे।